हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है जे आर एफ अड्डा चैनल पे मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा जो आपको सी एस आई नेट लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर करवाने वाली हूं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो अभी एक कंप्लीट कोर्स के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है फिफ्टीन ऑफ नवंबर से और जिसके लिए आपको ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी एट द प्राइस ऑफ नाइनटीन ओके एंड विच इज़ एन ऑफर प्राइस फॉर नाउ सो so गाइज़ uh, आपको इस कोर्स के अंदर ए बी सी तीनों पार्ट जो हैं अच्छी तरह से कंप्लीट करवाए जाएंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके क्लासेज लेंगे स्ट्रैटेजिकली प्लान क्लासेज होंगी जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उन्हें किस तरह डील करना है ये भी सिखाया जाएगा आप अपने डाउट्स जो हैं डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं कंप्लीट नोट्स जो हैं पी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे सो so, uh, इसके लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले जे आर एफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जे आर एफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद में अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करें और सी एस आई आर कम्प्लीट कोर्स लाइफ साइंसेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप uh, इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे पेमेंट कम्प्लीट करके आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं सो so गाइज़ आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो काफ़ी बातें चल रही हैं बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि सी एस आई आर नेट का क्वेश्चन जो पैटर्न है वो क्या चेंज हो गया है या सी एस आई आर नेट का जो पेपर पैटर्न है क्या वही चेंज हो गया है सो so गाइज़ uh, मैं आप लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंजेस हैं वो नेग्लिजेबल हैं और एक्चुअली uh, जो चेंजेस हैं वो उस तरह के चेंजेस नहीं है कि आपका कोई सिलेबस चेंज हो गया है या फिर क्वेश्चंस कम या ज़्यादा कर दिए हैं सी ने जो पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो पैटर्न वैसा ही है बिल्कुल लेकिन जो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं सो so गईज आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आ, जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स हैं वो सेट करते हैं और ऑब्वियसली ये बहुत ही वाजिब सी बात है कि हर बार सेम अगर सपोज इस बार मैंने बायो केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो नेक्स्ट पेपर में हो सकता है मैं इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लूँगी या फिर आ, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत जो चेंज है वो धीरे धीरे समय के साथ हर किसी पेपर के अंदर आता ही है तो उसी तरह के चेंजेस जो हैं सी एस आई आर नेट में भी आ रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये ज़रूर आया है कि पहले जिस लेवल का आपको स्टडी करनी होती थी उससे अब सी एस आई आर थोड़ा सा डीप चला गया है मतलब इन डेप्थ आपको थोड़ी सी स्टडी करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे सेक्शंस तीन सेक्शंस में ये पेपर को बांटा गया है सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए के अंदर आपको बीस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से पंद्रह अटेम्प्ट करने हैं और ये जो क्वेश्चंस है ये मैथमेटिक्स uh... मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ओके okay? सो so, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड से इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं जो जिस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जा रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं सेक्शन बी और सी जो दोनों हैं ये आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ठीक है सब्जेक्ट बेस्ड ये वाले सेक्शंस हैं दोनों और इसके अंदर जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपको फिफ्टी क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको थर्टी फाइव अटैम्प्ट करने रहते हैं अब इसके अंदर आपको क्या करना है जो पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे अभी थोड़ा सा और इन डेप्थ में चले गए हैं अभी भी वो मेमोरी बेस्ड ही हैं बट थोड़े से इन डेप्थ चले गए हैं मतलब आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कभी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही समझ से ही बाहर हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है अगर सपोज दो से तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल ही आपने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है तो क्योंकि सेक्शन बी ऐसा है जिसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हो और अगर नहीं आता है तो आप इसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप सोच भी नहीं सकते उसको अटेम्प्ट करने का क्योंकि वो बहुत ही बड़ा रिस्क है तो सेक्शन बी में या तो आपको एक क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है ठीक है सो so, इनमें से कोई एक सिचुएशन uh, हो सकती है बट यू क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर ऑलरेडी 15 का जो uh, एक आपके पास में गैप यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसमें इस तरह के अगर कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं जो आपने बिल्कुल भी कभी सुना ही नहीं उसके बारे में तो उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं विच इज़ नॉट अ बिग डील और इसको हम कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर पैटर्न में ही चेंज हो गया ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स हैं दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग क्वेश्चन क्योंकि हर बार जो उन्हें लगता है कि जिन यूनिट्स को उन्होंने पहले कवर किया है या जिन टॉपिक्स को पहले कवर किया है उससे कुछ एक स्टेप आगे जाकर के और नए क्वेश्चंस को पूछा जाना चाहिए उसी तरह सेक्शन सी जो है वो आपका जो एप्टीट्यूड रीजनिंग जिसको कह सकते हैं आप ठीक है एप्टीट्यूड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं सो गाइज यहाँ पे जो सेक्शन सी है पहले इसके अंदर पूरी तरह से जो है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम वही क्वेश्चन होते थे बट अभी जो पैटर्न आ रहा है अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसके अंदर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ में थोड़ा मेमोरी भी आपकी यूज होती है मतलब मेमोरी आपको अच्छी तरह से उसका इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है टॉपिक का तभी आप इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे तो ये जो सेक्शन सी है इसके अंदर ये चेंज जरूर देखा गया है तो सेक्शन सी में किस तरह के क्वेस्स आते हैं या तो एक कोई छोटा स्टेटमेंट दे देंगे उसके नीचे और चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और जो कौन से वाले करेक्ट स्टेटमेंट्स है उन सबका जो ग्रुप है वो आपको चूज करके और उसका एक आंसर आपको करना होगा इसके अलावा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर ग्राफ्स दिए जाते हैं ग्राफ के अंदर आपको पूरी तरह से आपका नॉलेज या फिर जो एप्टीट्यूड रीजनिंग सब अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो सेक्शन uh, सी के अंदर ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा चेंज जो है वो देखा गया है और लेकिन उसको भी मैं नेग्लेजिबल ही कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं 75 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं So, uh, ये कोई uh, इशू है ही नहीं कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचें या स्ट्रेस लें आप लोग अपनी प्रिप्रेशन प्रेपरे, जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें और जो uh, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा इन डेप्थ अच्छी तरह से पढ़ें और उसको अच्छी तरह से लर्न करें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर uh, आपने सीथरी साइकिल आप पढ़ रहे हैं उसका कोई क्वेश्चन आ गया सी सेक्शन के अंदर तो इन्जाइन्स या उसके जो स्टेप्स हैं प्रोडक्ट्स उनके अंदर आपस में कुछ रिलेशन पूछ लिया इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है वो भी आ, अच्छी तरह से यूज करनी आनी चाहिए तो यहाँ पे एप्टीट्यूड अकेला भी काम नहीं करेगा और मेमोरी भी अकेले काम नहीं करेगी दोनों को मिला के आपको इन क्वेश्चन को डील करना होगा सो so, कोई टेंशन वाली बात है नहीं कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है जिसके बारे में आप सोचें या स्ट्रेस लें जस्ट uh, दैट थोड़ा सा आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करें इन डेप्थ स्टडीज करें जो रिविजन है वो बहुत अच्छी तरह से बार बार करते रहें और इस इन सब uh, अप्रोचेस के साथ में आप अच्छी तरह से अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप uh, डील कर पाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अभी फिफ्टींथ ऑफ नवम्बर से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं Uh, जिसके लिए आपको ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी और इसका जो ऑफर प्राइस अभी है वो नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ है और राइट सो फिफ्टीन ऑफ नवम्बर इज़ द डेट इफ़ यू वन जॉइन अस तो आपको जे आर एफ अड्डा की जो ऐप है वो जे आर एफ अड्डा की वेबसाइट पर जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे तो आप हमारा जो कोर्स है उसको एक्सेस कर पाएंगे सो दैट इज़ ऑल थैंक यू